और शेर एक ही बहुत होता है, बाकी की लेनी जरूरत नहीं, शेर जंगल में एक ही बहुत है, वो है राव इंद्रजीत। कितने ही हो जाएं, वोट जनता ने डालनी है और जनता ने ही जिताना है। जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि हमारा मल्टीपर्पज काम वहीं पर हो जाया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही अलग काम हो रहा है उनका। दक्षिण हरियाणा के वो शेर, हरियाणा के अंदर उनकी पहचान, उनके बिगैर हरियाणा का कोई भी पार्टी सीएम नहीं बना सकती। जो जेई है, चाहे एसडीओ हो, चाहे एक्सएन है, ये सब मिलकर एमसीडी को लूटने लग रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे। 31 की बात करी आपने, सेक्टर 31 के अंदर काफ़ी मैंने जल भराव का जो था, काफ़ी मैंने ड्रेनेज बनवाई है वहाँ पर, मेन मार्केट के सामने बनवाई है, ग्रीन बेल्ट में बनवाई है। ग्रीन बेल्ट में दो दो ढाई ढाई पानी फुट हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि सारे इकट्ठा वहीं होता है पानी। हमारा ट्रम्पुर आया पार्षदों का, उसके बाद तो प्रशासन की मौज आ गई, एमसीजी के कमिश्नर से लेके और नीचे तक सबकी मौज आ रही है, पूरे एमसीजी को लूट लूट के खाने लग रहे हैं। तो प्लानिंग नहीं है, नहीं तो चाहे हुड्डा का हो, चाहे जीएमडी का हो, चाहे एमसीजी के अफसर हो, इनको बैठ कर नक्शे के अनुसार, तो वो हुड्डा डिपार्टमेंट के सारे नक्शे होंगे, पूरे गुड़गांव के नक्शे होंगे, उसके हिसाब से काम करना चाहिए सीवरेज का और जल भराव का। 31 और 40 की डिवाइडिंग पर जीएमडी ने अपनी लाइन डाली है ड्रेनेज की। सेक्टर 30 और 31 की डिवाइडिंग जो जारी है मेट्रो स्टेशन को, उस पर डाली है, लेकिन इसके बाद जब हमारा वार्ड दूसरा वार्ड शुरू होता है, वहाँ पर कुछ डलानी है, तो इसलिए वो ब्लॉक कर देता सारा का सारा। इसमें कोई प्रेज नहीं करूँगा, बिगर काम करे पैसे डिलीवर होने लग रहे हैं ठेकेदारों के और मौज ले रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की बोल। गुड़गांव, अगर हम इसको इसके बदले हुए नाम गुरुग्राम से कहें तो यह पूरे हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। साइबर सिटी और अलग अलग नामों से नवाजे जाने के बावजूद यहाँ की अपनी कुछ दिक्कतें हैं और यहाँ की अपनी कुछ खूबियां हैं। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व तो है जिसने हरियाणा में गुरुग्राम को बढ़ते हुए फलते फूलते हुए देखा है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ की हर उस नींव को रखने का प्रयास किया है जिसने कहीं ना कहीं जन सरोकार की अपनी राजनीति को जिंदा किया है। नाम है अश्विनी शर्मा। दिल से, दिमाग से भाजपाई कहें या फिर जनसेवक, या तो अश्विनी शर्मा जी खुद ही बताएंगे। सबसे पहले तो आपका ढेर सारा स्वागत है लोकल न्यूज़ में। धन्यवाद जी। तो राजनीति ने कैसे आपको चुना या आपने राजनीति को कैसे चुना? देखिए, सामाजिक काम करते करते इस लाइन में आ गए। लोगों का कहना था कि भाई आप समाज सेवा करते आ रहे हो तो आप अब राजनीति में आओ, और लोगों के कहने पर ही, लोगों ने ही मुझे इंडिपेंडेंट के तौर पर, मुझे पार्षद के तौर पर यहाँ खड़ा करा, इस वार्ड से, वार्ड नंबर 19 से उन्होंने खड़ा करा। उन्होंने मेहनत भी करी, टिकट भी मिलते मिलते लास्ट मोमेंट में कट गई, लेकिन लोग नहीं माने और उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। और हम अच्छी वोटों से जीते यहाँ से, और जीतने के बाद हम अपने काम पे लग गए। राव इंद्रजीत सिंह मेरे गुरु हैं, उनके ही उन पे हमने मेयर को, जितने भी इंडिपेंडेंट थे हमने उनको समर्थन दिया और उन्होंने मेयर टीम, बीजेपी के मेयर बना दे, मेयर टीम बनाई। जब आपके साथ राव इंद्रजीत का नाम जुड़ता है, एक बड़े नेता, यह माना जाता है कि अगर दक्षिण हरियाणा की राजनीति की बात की जाए और राव साहब की बात की जाए तो बेमानी होगी, तो इतने बड़े नाम के साथ आपका चलना, तो आपके तो विरोधी भी खूब ढेर सारे होंगे भाजपा में। देखिए, विरोधी कितने ही हो जाएं, वोट जनता ने डालनी है और जनता ने ही जिताना है, और शेर एक ही बहुत होता है, बाकी की लेनी जरूरत नहीं, शेर जंगल में एक ही बहुत है, वो है राव इंद्रजीत सिंह। दक्षिण हरियाणा के वो शेर, हरियाणा के अंदर उनकी पहचान, उनके बिगैर हरियाणा का कोई भी पार्टी सीएम नहीं बना सकती, उनके बिगैर सीएम बन ही नहीं सकता हरियाणा के अंदर। तो अब जब बतौर पार्षद आप चुने गए, तो पहले दिन आपको क्या लगा कि वार्ड 19 में ऐसा कौन सा काम है जिसको करना सबसे पहली प्राथमिकता है?
देखिए खाली मैं वार्ड 19 की बात करूं, पूरे गुड़गांव की मूलभूत सुविधा बेकार थी। बहुत कोशिश करी, हमारे सभी पार्षदों ने कोशिश करी, मिलकर काम करा सभी पार्षदों ने, लेकिन प्रशासन ने आज भी मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार कर रखा है। आम आदमी आज भी लाइनों में खड़ा हुआ हुआ है। जिस प्रकार से सीवर है, पानी है, आपका बरसाती पानी है, सड़क है, इन ये सारी मूलभूत सुविधाएं आती हैं, आज भी पूरा गुड़गांव ठीक नहीं है। सीवर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, और जब से मैं कहता हूँ कि जब से हमारा ये टर्म पूरा हुआ है, 2 नवंबर को हमारा टर्म पूरा है पार्षदों का, उसके बाद तो प्रशासन की मौज आ गई। MCG के कमिश्नर से लेकर और नीचे तक सबकी मौज आ रही है, पूरे MCG को लूट लूट के खाने लग रहे हैं। मैं इसमें कोई परहेज नहीं करूँगा, बिगर काम करे पैसे डिलीवर होने लग रहे हैं ठेकेदारों के और मौज ले रहे हैं। इसका मतलब है जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सेक्टर 31 का पूरा बाजार कूड़ादान बना पड़ा है, अलग अलग जगह ड्रेनेज और सिस्टम की हालत हुई है, तो क्या लगता है यहाँ एक टाउन कंट्री प्लानिंग का एक ऑफिस भी होता है, उसके ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बन रही है ड्रेनेज सिस्टम में, उससे तो हमारे को समस्या ये आती है कि ये हिस्सा हुड्डा डिपार्टमेंट का है, ये हिस्सा GMDA का है, ये हिस्सा MCG का है। जबकि GMDA जो बनी थी वो इसलिए बनी थी कि हमारा मल्टीपर्पज काम वहीं पर हो जाया करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही अलग काम हो रहा है उनका। इन्होंने अब सेक्टर 31 की बात करी आपने, सेक्टर 31 के अंदर काफ़ी मैंने जल भराव का जो था, काफ़ी मैंने ड्रेनेज बनवाई है, वहाँ पर मेन मार्केट के सामने बनवाई है, ग्रीन बेल्ट भी बनवाई है। ग्रीन बेल्ट में 2-2.5 पानी फुट हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि सारे इकट्ठा वहीं होता है पानी। और इन्होंने जो JEE है, चाहे SDO है, चाहे एक्सियन है, इस सब मिलकर MCG को लूटने लग रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे। ट्रैक्टर 31 और 40 की डिवाइडिंग पर GMDA ने अपनी लाइन डाली है ड्रेनेज की, ट्रैक्टर 30 और 31 की डिवाइडिंग जो जारी है मेट्रो स्टेशन को उस पर डाली है, लेकिन इसके बाद जब हमारा वार्ड दूसरा वार्ड शुरू होता है वहाँ पर कुछ डलानी है, तो इसलिए वो ब्लॉकेज है सारा। लेकिन प्लानिंग इनकी कोई नहीं है, किसी भी अफसर की कोई प्लानिंग नहीं है, नहीं तो चाहे हुड्डा का हो, चाहे GMDA का हो, चाहे MCG के अफसर हो, इनको बैठ कर नक्शे के अनुसार, तो वो हुड्डा डिपार्टमेंट के सारे नक्शे होंगे, पूरे गुड़गांव के नक्शे होंगे, उसके हिसाब से काम करना चाहिए सीवरेज का और जल भराव का। क्या लगता है कि ऐसे कुछ काम जो जनता सोचती है कि आपने बिल्कुल सही काम किया, या आपको लगता है कि बिल्कुल जरूरी था वार्ड नंबर 19 पे पत्र रहने का? मैंने अपने वार्ड की बात करता हूं तो अपने वार्ड के अंदर सीवर की समस्या मैंने 90% वो ठीक कराई है, जल भाव का भी ठीक कराया है। अभी सेक्टर 15 के अंदर एक हमने जो ये अपना रेलवे की लाइन जारी है दिल्ली से अलवर तक जारी है, उन लोगों से हमने जहाँ से निकलनी थी वहाँ हमारा सीवर प्लांट था, उनसे हमने बहुत बड़ा सीवर प्लांट लगाया, जिससे कि 3 कॉलोनियों को फ़ायदा मिल गया है और वो चालू भी करा।